हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर यहां पे मैं जो जो और टेक्स आपको पढ़ने जब का आप की मैं जो जो रहेंगे। वो हो गया सबसे पहले पाइथन प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग हो गई एक तो एक हो गई जावा और गो भी बोलूंगा और रू भी अब ये सारी लैंग्वेजेस नहीं पढ़नी है कोई सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लो और उसको सीखना स्टार्ट कर दो अगर आपका मतलब डेबोप्स में घुसने का आपका है मतलब प्लान तो मेरी यहाँ पे पा, पाइथन है जो कि मेरी फेवरेट है पाइथन मुझे अच्छी लगती है जस्ट क्योंकि इजी है इसका सिंटैक्स ही मुझे इजी लगता है समझो मुझे अच्छे से आती है और मैंने काम भी किया हुआ है पाइथन में तो इसीलिए मैं मेरी फेवरेट पाइथन है और मुझे गो का भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है बट फिर भी मेरी फेवरेट पाइथन ही है तो कोई सी भी एक उठा लो इसमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब मैं ये कहूँगा ये प्रेफरेबल है मैंडेटरी नहीं है एज अ डेवॉप्स इंजीनियर आपका कोडिंग में बहुत काम नहीं होता है स्पेशली अगर एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो कोई कंपनी को बट हाँ अगर आपको आती है तो डेफिनेटली आपको एज मिलेगी दूसरे कैंडिडेट्स के ऊपर और थोड़ी बेसिक नॉलेज तो रखनी चाहिए तो प्रेफरेबल है मैं कहूँगा उसके बाद है मास्टर कर लो लाइनक्स अब मास्टर से मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर बन जाना है और एक एक चीज़ पढ़नी है लाइनक्स में ऐसा कुछ नहीं है बट हाँ आपको बेसिक नॉलेज रखनी चाहिए जैसे फाइल सिस्टम्स की ठीक है बेसिक कमांड्स जो यूज होती हैं ठीक है बेसिक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सॉरी लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं कोई सा भी ट्यूटोरियल उठा लो बीस uh, तीस वीडियो देख लो आपको मतलब कमांड हो जाएगी लाइनक्स में बहुत डीप में नहीं घुसना बट हाँ बेसिक पता होना चाहिए कैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं कैसे ऐसे सच करते हैं सिस्टम्स में एफ एंड ऑल ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं जो जो ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं लाइनक्स में ठीक है कैसे मूव करते हैं कैसे डायरेक्टरी बनाते हैं ये सब पता होना चाहिए तो इन सब की नॉलेज होनी चाहिए कोई सा भी कोर्स उठा लो दो तीन कोर्स फॉलो कर लोगे लाइन एक्स सीख जाओगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो लाइन एक्स आना बहुत जरूरी है इंजीनियर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज है नेटवर्किंग नेटवर्किंग का भी मतलब काफ़ी रोल होता है डेवॉप्स इंजीनियर में क्योंकि मैं खुद यूज़ करता हूँ अपने नेटवर्किंग नॉलेज काफ़ी नेटवर्क ट्रबल शूटिंग में फॉर एग्जांपल कोई पोर्ट ओपन है या फिर कोई पोर्ट क्लोज है पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें होंगी प्रोसेस कोई चल रहा है नहीं चल रहा कोई सिस्टम डी सर्विस है वो स्टार्ट करनी है स्टॉप करनी है ठीक है कोई कनेक्टिविटी इशू है ठीक है ये सब इशूज़ मतलब देखने पड़ते हैं कई बार इशू आ जाता है तो ऑब्वियसली नेटवर्किंग की नॉलेज होती है तभी कर पाता हूँ ठीक है टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल्स के बारे में पता होना चाहिए एस टी टी पी प्रोटोकॉल्स ठीक है और सिक्योरिटी पॉलिसीज हो गई तो बहुत चीज़ें आती हैं नेटवर्किंग में अगेन कोई सा कोर्स उठा लेना ऑनलाइन या फिर गूगल करके पढ़ लेना तो कवर हो जाएगा आपका तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं नेटवर्किंग के बाद मेरा फेवरेट आ जाता है क्लाउड जिसमें मैं लिखूँगा अपना एज्योर ए डब्ल्यू एस एंड जी सी पी और भी बहुत सारे क्लाउड्स हैं बट मैं सारे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली कंपनी तीन तीनों में से एक या दो यूज़ करती हैं मोस्टली एक ही यूज़ करती हैं तो मेरा अगेन फेवरेट जो है वो है एज्योर फिर सेकेंड नंबर पर मैं लेता हूँ ए डब्ल्यू एस की मुझे नॉलेज है नहीं बट हाँ कंपनी जी सी यूज़ करती हैं तो इसलिए मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया तो आप कोई सा भी एक क्लाउड प्रोवाइडर उठा लो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से तो अगर कन्फ्यूज़ हो या फिर ये क्वेश्चन है दिमाग में कि डिमांड किसकी ज़्यादा है तो मैं बोलूँगा ए की सबसे ज़्यादा है उसके बाद एज की है और मार्केट चाहे जी का भी थोड़ा कम है तो कोई सा भी उठा लो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा एच यूर या डब्ल्यू में से उठा लो अगर इफ़ यू आर गेटिंग कन्फ्यूज ठीक है यहाँ पे क्लाउड में ऐसा पता होना चाहिए कि आई ए आस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस पाँच सर्विसेज की नॉलेज होनी चाहिए कैसे स्टोरेज अकाउंट्स बनते हैं उनका काम क्या होता है वर्चुअल मशीन नेटवर्किंग तो ये सब आ जाता है अपना क्लाउड में तो ये सब आना चाहिए इसके बाद आ जाता है एनसीबल जो कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है कोई भी आपको कॉन्फ़िगरेशन अपडेट करनी है रिमोट मशीन्स में तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एनसीबल ठीक है तो एनसीबल शेफ पपेट भी हैं बट हाँ मैं कहूँगा कि एनसीबल ही पढ़ना शेफ पपेट थोड़े से डिफिकल्ट तो एनसीबल के बहुत ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे ऑनलाइन वो सब देख लेना तो एनसीबल भी बहुत जरूरी है मतलब एकदम उस पर नहीं करना कि सारा कि एक एक मॉड्यूल रटना है ऐसा कुछ नहीं करना बट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बेसिक प्ले बुक का स्ट्रक्चर कैसे बनता है कैसे काम करता है बैकहेंड में बेसिक मॉड्यूल्स क्या होते हैं जैसे सर्विस मॉड्यूल हो गया लिख देता हूँ यहाँ पे सर्विस मॉड्यूल हो गया शेल मॉड्यूल हो गया ठीक है और क्या बोलते हैं डीबग मॉड्यूल हो गया जैसे बेसिक ऊपर ऊपर के जो मॉड्यूल्स होते हैं उस पर थोड़ी बहुत प्ले बुक्स लिख के देख लो और तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि एनसीबल कैसे काम करता है एनसीबल के बाद मैं बोलूँगा डॉकर जो कि हमारा कंटेनराइजेशन में काम आता है ठीक है डॉकर की भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है मतलब मैंडेटरी तो डेफिनेटली नहीं है बट हाँ अगर सीख लोगे तो अच्छी बात है प्रेफरेबल मैं कर देता हूँ इसको क्योंकि तो कंपनी चाहती है अगर कैंडिडेट को ये सब चीज़ें आती हैं तो उनको ईजी हो जाएगा उन लोगों को सिखाना नहीं पड़ेगा और बेसिक आना चाहिए जैसे कंटेनर्स कैसे लिस्ट होते हैं डॉकर पी से ठीक है और नेटवर्किंग के बारे में पढ़ लो थोड़ा डॉकर का ठीक है कैसे इमेजेस बनती हैं ठीक है रजिस्ट्री क्या होती है तो इस तरीके से ऊपर ऊपर से पढ़ लो कोई भी कोर्स उठा लो तो वहाँ से डॉकर पढ़ लो अब डॉकर आता तो साथ साथ एक चीज अपनी है, आती है क्या क्यूबन क्यूबान की भी वही उसका आर्किटेक्चर देख लो ठीक है आर्किटेक्चर आना चाहिए क्या पॉड्स क्या होते हैं क्यूबोनेटिस में ठीक है और मैनिफेस्ट फाइल थोड़ा समझना आना चाहिए मैनिफेस्ट पूरी रटने की जरूरत नहीं थोड़ा थोड़ा मतलब इतना आना चाहिए कि समझ जाओ कोई भी एक मैनिफेस्ट फाइल है ठीक है और डिप्लॉयमेंट क्या होता है ठीक है रेप्लिकास क्या होते हैं ठीक है, है? और, और भी बहुत चीजें क्यूबोनेटिस में रेप्लीकेशन कंट्रोलर हो गया और और भी बहुत चीजें आती हैं तो क्यूबानीटिस की बेसिक बेसिक पढ़ लो डॉकर और बेसिक एटलीस्ट आना चाहिए बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बोल रहा अभी के लिए बहुत ज्यादा आता है तो बहुत ही अच्छा है बट हाँ क्लाउड की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए नेटवर्किंग अच्छे से आना चाहिए लाइन अच्छे से आना चाहिए और इसकी मतलब कोडिंग भी ठीक ठाक आनी चाहिए बाकी एनसेबल भी बेसिक नॉलेज होगी तो चल जाता है डिपेंड करता है आप कितने एक्सपीरियंस पे ज्वाइन कर रहे हो कौन सी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो क्या आपका रोल रहेगा उसमें तो बहुत चीजें हैं तो मैं जनरलाइज मैं बता रहा हूँ अब आता है अपना सी आई सी डी में बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं जैसे जेंकिंग्स आ जाता है एजोर डेवॉप्स आ जाता है अपना ठीक है गेट लैब सी आई आ जाता है और भी बहुत सारे टूल्स हैं टीम सिटी एंड ऑल बहुत सारे टूल्स हैं सर्कल सी आई एट उन सब में मैं जा नहीं रहा तो यहाँ से मैं कहूंगा कि इन दोनों में से कोई एक सीख सकते हो दोनों सीख लोगे तो बहुत ही अच्छा है नॉलेज इज नेवर वेस्ट बट हाँ कोई सा सीख लो इसकी अच्छी कमांड होनी चाहिए क्योंकि DevOps का मेन काम CICD में तो तो रहता है ये तो Jenkins उठा लो ये ओपन सोर्स है ये भी ले सकते हो या फिर डेवॉप्स है तो कंपनी दोनों यूज करती हैं तो कोई सा एक दो टूल ले लो अब आता है मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग में मैं, मैं लिख देता हूँ प्रोमिथियस हो गया ग्रेफाना जो कि मोस्ट ऑफ़ द कंपनीज में यूज़ होता ही है या फिर ले सकते हो लॉगिंग के लिए आ जाएगा ई एल के लास्टिक सर्च लॉक स्टैश के बाना ठीक है तो यहाँ से कोई सा टूल ले लो प्रोमिथियस ग्रेफाना तो ले लेना ले फॉर श्योर sure. बाकी नेगी ऑप्शनल है अगर मतलब डिपेंड करता है कंपनी पे यूज़ करती है तो थोड़ा बहुत यू कैन लाइक थोड़ा बहुत सीख सकते हो एंड and...

एंड डेबॉप थोड़ा बहुत मतलब एक दो वीडियो देख लेना उसमें आपको बता देंगे कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या क्या यूज़ होती हैं सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस यूज होती हैं डेबॉप्स इंजीनियर सीक्रेट मैनेजमेंट कैसे होता है ठीक है सीक्रेट्स कैसे मैनेज होते हैं प्रोडक्शन में ठीक है और सिक्योर कोडिंग uh, कैसे होती है उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं तो ये सब थोड़ा सीख लेना अब आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एस कोड क्चर कोड में सबसे फेमस टूल है टेराफॉर्म तो और भी हैं क्या बोलते हैं एआरएम टेम्पलेट्स हैं और बाइसेप्स भी हैं मैंने यूज नहीं किया क्लाउड फॉर्मेशन है तो मैंने पर्टिकुलर टेराफॉर्म यूज किया तो मैं करूंगा करूँगा टेराफॉर्म सीख लो क्योंकि मोस्ट uh, मतलब इसके बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं तो मतलब बहुत आप वैरायटी uh, ऑफ काफ़ी मतलब काफ़ी वैरायटी जगह पे आप लोग डिप्लॉय कर सकते हो फॉर एग्जांपल एचर रिसोर्स बना सकते हो ए के रिसोर्स बना सकते हो टेराफॉर्म से जी के बना सकते हो इलास्टिक सर्च के रिसोर्स बना सकते हो कंसल है नोमैड है मतलब बहुत सारे जितने टूल्स हैं टेराफॉर्म का इनबिल्ट प्रोवाइडर आता है तो आप उन इस इनबिल्ट प्रोवाइडर को यूज करके मतलब बहुत सारे रिसोर्स डिप्लॉय कर सकते हो अलग अलग टूल्स के लिए तो टेराफॉर्म उसके लिए काफ़ी अच्छा टूल है वो मैं रिकमेंड करूँगा वो जरूर सीख लेना और इसके बाद गेट तो मैं भूल ही गया गेट आना चाहिए वर्जन कंट्रोल की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए यानी कि गेट पुल कमांड्स ठीक है पुश क्या होती है कमिट कैसे करते हैं ठीक है स्टेजिंग एरिया क्या होता है कैसे अनस्टेज करते हैं कमेंट्स को तो ये सब पता होना चाहिए तो गेट कोई भी बहुत सारी वीडियोस हैं कोई भी देख लेना आराम से तो गिट की नॉलेज हो जाएगी वहां से इसके बाद है मैं बोलूंगा कि थोड़ा रियल टाइम में रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करो अगर कंपनी में मिल रहा है एंड सोन ऐसे ही लिख रहा हूं मैं बस समझ में आना चाहिए आप लोगों को तो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करना बहुत जरूरी है अगर कंपनी में आपको ये एक्सपीरियंस मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है मैं तो उस कंपनी में अच्छे से काम करो अपना बेस्ट हो तभी सीखोगे और इन केस अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल रहा तो कंपनी में ही स्विच करने का ट्राई करो और भी मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं कंपनी के पास तो वहाँ पे इंटरव्यूज़ दो और ट्राई करो अगर वो प्रोजेक्ट मिल जाए क्योंकि रियल टाइम एक्सपीरियंस बेस्ट एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे आपको बिज़नेस की भी नॉलेज होती है और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में चीज़ें कैसे चलती हैं वो समझ में आता है बट हाँ इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ये सब पढ़ना छोड़ देना अपना स्टडी कंटिन्यू रखना और रियल टाइम की कोशिश करो कि रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पर काम मिले और बाकी चीज़ें तो कुछ नहीं बस कंटिन्यूस लर्निंग करते रहो अपना स्पेशली जो मतलब जो अभी फ्रेशर्स हैं या फिर उन्होंने जिन्होंने अभी नया नया आई करियर स्टार्ट किया तो कंटिन्यूस लर्निंग करते रहो और इसके बाद बोल दूँगा सर्टिफिकेशंस जो कि एक वैल्यू एडिशन है टू योर रिज्यूम में केस मतलब आपको टाइम मिलता है तो सर्टिफिकेशन डेफिनेटली करो मैंने तो अभी ए जी का किया हुआ है और ए जी के किए हैं दो ही सर्टिफिकेशन किए हैं बट मैं कहूँगा आप लोग अगर अपने मतलब करियर के स्टार्ट में हो तो डेफिनेटली एक दो सर्टिफिकेस करो एश्योर में करो ए डब्ल्यू एस में कर सकते हो बहुत सारे टूल्स हैं क्यूबनेटिस्म में भी होता है सर्टिफिकेसन्स सी के एड बोलते हैं या सी के ए दो होते हैं शायद तो उनको करो उससे आपको काफ़ी मतलब एज मिलेगा और रिज्यूमर स्ट्रांग होगा प्रोफाइल स्ट्रांग होगी और मतलब कंपनीज हायर करना चाहेंगे आप लोगों को तो मतलब ये ये टूल्स थे आ, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो और इसके अलावा टूल्स तो बहुत हैं बट मैंने वो सारे इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि तो इतना अगर सीख लोगे तो मोर देन एनफ है और ये भी अच्छे से आना चाहिए ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये मतलब मतलब थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दिया इसको अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करो और अच्छे से सीखो तो इतना बहुत है मतलब आपको यहाँ तक कि जिनका एक्सपीरियंस तीन से चार साल भी है ना वो लोग भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं और इतना अगर सीख लोगे तो बहुत अच्छा है इससे ज्यादा कोई कंपनी डिमांड नहीं करती कंटेनर अनलेस कुछ अगर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है तो बात अलग हो जाती है बट ऑन दी होल यही सब टूल्स uh, यूज़ होते हैं मोस्ट ऑफ़ द कंपनीज़ में तो या डेट सेट गाइज फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग और अगर वीडियोज़ समझ आ रही हैं अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कॉमेंट करते रहना मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो डैट सेट गाइज थैंक यू अगेन एंड बाय बाय